शरीफ की रिवायत, सुम्मा इन्ना तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफुन, फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? या फलूना माला यूमरून, वो अपनी ही ईजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही ईजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही ईजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क में, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तेबा। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से अपनी ताकत से वो मोमिन होगा, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से वो भी मोमिन होगा। वही तीन दर्जे, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है।